Subscribe my channel and press the bell icon and never miss any update from FM News. फिल्म अभिनेता सलमान खान अब बॉलीवुड में एक बिना फिल्मी परिवार से आए लड़के को लॉन्च करने की तैयारी में है। खास बात यह है कि जहीर इकबाल नामक व्यक्ति का कोई भी बॉलीवुड कनेक्शन नहीं है। जहीर के पिता सलमान खान एक दूसरे को लंबे समय से जानते थे। सलमान खान की नज़र जहीर इकबाल पर अचानक पड़ गई, जो कि अर्पिता की शादी में आया था और मंच पर डांस कर रहा था। उस समय सलमान को लगा कि इस पर दाव खेला जा सकता है और उन्होंने इसे लॉन्च करने का मन बना लिया। जहीर के लिए अब इंतजार की घड़ियां समाप्त हो गई। सलमान खान उन्हें कश्मीर की पृष्ठभूमि में बनने वाली एक प्रेम कहानी के माध्यम से लॉन्च करेंगे। सलमान खान उनके बैनर और मुरादा खेतानी और अश्विनी वर्दे के साथ मिलकर बनी फिल्म में इसे लॉन्च करेंगे। फिल्म सितंबर से शूट होनी शुरू होगी, जिसका निर्देशन नितिन कक्कड़ करेंगे। नितिन ने फिल्मिस्तान नामक फिल्म बनाई थी। खबर यह भी है कि इस फिल्म में जहीर इकबाल के सामने एक नई लड़की को भी लॉन्च किया जाएगा। इन दिनों सलमान खान जहीर इकबाल को ट्रेंड कर रहे हैं। उन्होंने जहीर को जहीरो नाम भी दिया। फिल्म के क्रू मेंबर्स भी उन्हें इन्हीं नाम से बुलाते हैं। सलमान खान ने बुधवार को ट्वीट किया था, जिसमें एक तस्वीर भी शामिल थी। यह तस्वीर बहुत पुरानी थी, जिसमें वे एक लड़के को गोदी में उठाए हुए थे। आपको बता दें कि सलमान खान इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म रेस 3 के प्रमोशन में व्यस्त हैं। फिल्म में उनके अलावा बॉबी देओल, अनिल कपूर, जैकलीन और डेजी शाह भी अहम भूमिका में हैं।